हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो ब्रश केयर टिप्स के ऊपर होने वाला है। मैं आपको ब्रश केयर के ऊपर कुछ टिप्स दूंगा और ब्रश का जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है मैं उसका एक सोल्यूशन बताऊंगा आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, मेरे पास यहाँ पे है ब्रास्टो का मॉप ब्रश, ये मैंने रिसेंटली लिया है। और मैं पिछले 1.5 साल से इन ब्रशेस को यूज़ कर रहा हूँ और मैं ज़्यादातर ये नंबर 8 वाला ब्रश यूज़ करता था और ये ब्रश मेरा डैमेज हो चुका है, इसमें बहुत हेयर फॉल होता है। लेकिन मेरे बाकी तीनों ब्रश ठीक है, ना कुछ नहीं हुआ है। मेरे पुराने ब्रशेस ख़राब हो गए थे इसलिए मैंने ये नया पैक लिया है। तो गाइस, जो ब्रशेस ख़राब हो चुके हैं उनका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप नए ब्रशेस को अगर अच्छे से रखेंगे, उनकी केयर करेंगे तो वो डैमेज नहीं होंगी और वो आपकी बहुत दिन चलेंगी। तो अभी मैं बताऊंगा आपको कि किन किन वजह से ब्रशेस की हेयर फॉल्स होती है और वो ख़राब हो जाते हैं। तो गाइस, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, नेचुरल हेयर ब्रशेस से काम करते हैं और काम करने के बाद ब्रश को उस पानी के कंटेनर में ही छोड़ देते हैं और फिर 1-2 घंटे बाद आके देखते ब्रश वैसे ही पड़ा है। तो इस वजह से आपका ब्रश डैमेज हो सकता है, उसके जो हेयर्स है वो निकल सकते हैं। और ब्रश डैमेज का मेन रीज़न हेयर फॉल ही होता है। तो आप यूज़ करने के बाद ब्रशेस को ऐसे डुबो के बिल्कुल मत रखना। तो गाइस, मॉप ब्रश बना ही होता है बहुत सारा पानी होल्ड करने के लिए। तो अगर आपका काम ख़त्म हो जाए तो आप एक टॉवल से उसको अच्छे से पोंछ लेना, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। और हर यूज़ के बाद उसके पॉइंट को अच्छी तरह से मेंटेन करना। और गाइस, ब्रश को पोंछने के बाद इस तरह के कंटेनर में उसको ऊपर की तरफ मुंह करके नहीं रखना, इसका रीज़न मैं अभी आपको बताऊंगा। तो गाइस, ब्रश के मेनली 3 पार्ट होते हैं, ब्रिसल्स, वुडन हैंडल और उनका बीच का जॉइंट, उसको फेरल बोलते हैं। तो गाइस, ज़्यादातर मॉप ब्रशेस के फेरल ऐसे प्लास्टिक के होते हैं और वायर से लपेटे हुए होते हैं। अगर आप एक कंटेनर में ब्रश को ऐसे रखेंगे तो उसमें थोड़ा पानी बच जाता है और वो धीरे धीरे इसके अंदर चला जाता है और ब्रिसल्स के नीचे का जो ग्लू होता है वो इस ग्लू को लूज़ कर देता है और ऐसे हेयर्स निकल आते हैं, जैसे मेरे पुराने वाले मॉप ब्रश में हुआ है, आप देख सकते हैं। तो गाइस, अभी आपका ब्रश गीला है और आपको उसको सुखाना है, तो आप क्या करेंगे, आपको इस तरह से एक फ्लैट सरफेस के ऊपर इसको रख देना है और वो अपने आप सूख जाएगा और सूख जाने के बाद आप उसे कंटेनर में रख सकते हैं और इससे ब्रश के फेरुल में पानी नहीं जाएगा और वो ग्लू भी ख़राब नहीं होगा और आपका ब्रश का हेयर फॉल भी नहीं होगा। तो गाइस, अभी मैं आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाऊंगा, तो ध्यान से देखना। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया था कि इनके फेरुल में पानी जाके आपके ब्रशेस को डैमेज कर सकती है, तो उसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। ऐसे आपको एक सेलो टेप लेना है और अपने ब्रश के फेरुल में टाइट करके इसको रोल कर देना है। अगर आप इसको टाइट करके रोल कर देंगे तो इसमें पानी जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा और देखने से नहीं लगेगा कि आपने टेप को लपेटा है इसके ऊपर। और ऐसा मैंने अपने बाकी नेचुरल हेयर ब्रशेस के साथ भी किया है, तो ये भी डैमेज नहीं होंगी। तो मैंने अपने चारों नए मॉप ब्रशेस में ऐसा कर दिया है। और आप सेलो टेप के बदले में इस तरह का मास्किंग टेप भी यूज़ कर सकते हैं। और सेलो टेप यूज़ करने से फ़ायदा होगा कि ये ट्रांसपेरेंट है, तो पता नहीं लगेगा कि आपने सेलो टेप को लगाया है और ये अच्छा दिखेगा। तो गाइस, मैंने 1 साल से ज़्यादा इस ब्रशेस को यूज़ किया है और मैं एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगा इन ब्रशेस के ऊपर, तो वो वाला वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वो वाला वीडियो जल्दी ही आने वाला है।
तो गाइस अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ब्रश केयर टिप्स के बारे में पता चल जाएगा और उनकी भी बहुत हेल्प होगी। और ऐसे ही नए नए वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।